हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, आज है सोमवार। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर मिली है राजेश लेखपाल और चकबंदी लेखपाल को लेकर। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, 3 से 4 मिनट की वीडियो है, आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। और ये जो आयोग फैसला लेने जा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? आपको कोई फ़ायदा है, नुकसान जो भी दिख रहा हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि यह ठीक है कि नहीं ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली यूपी ट्रिपल एससी और राजेश लेखपाल की सभी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप राजेश लेखपाल और चकबंदी लेखपाल में आवेदन करने वाले हैं तो आई होप आप तैयारी शुरू कर दिए होंगे। तैयारी जिन लोगों ने नहीं शुरू किया है, तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बहुत हाई लेवल का कॉम्पिटिशन होने वाला है। और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से चकबंदी लेखपाल और राजेश लेखपाल के करीब 11,000 पदों पर आवेदन आने वाला है। तो अगर आप इस मौके को, अगर चांस को छोड़ देंगे दोस्तों, तो फिर आपको ऐसा मौका 4 से 5 साल बाद ही मिलने वाला है। तो आप लोग डट के तैयारी कीजिए, नोट्स वगैरह बनाइए। जो लोग छात्र नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या पेड कोर्सेज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनके लिए यूपी लेखपाल, राजेश लेखपाल, चकबंदी लेखपाल के हमारी तरफ से बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है, जिसकी कीमत मात्र 75 रुपये रखा गया है। जी हाँ, मात्र 75 रुपीज का एक क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें यूपी लेखपाल का पूरा कंप्लीट सिलेबस किया गया है, चाहे वो राजेश लेखपाल हो चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो, दोनों का कंबाइंड सिलेबस यहां पर देखा गया, क्योंकि सिलेबस दोनों का एक ही रहने वाला है। ग्राम समाज, हिंदी, जीके, मैथ, सभी के क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है। साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिए गए हैं मैथ और रीजनिंग के, सब कुछ यहाँ पर वीडियो क्लासेस भी हैं, थ्योरी है, प्रैक्टिस सेट है, वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं इस क्रैश कोर्स के लिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से इसको बाय कर लीजिए। 75 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, पैसा वसूल नोट्स होने वाला है, ज़रूर बाय करके देखें, लिंक नीचे मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं, आज यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से दोस्तों एक आकस्मिक बैठक बुलाई है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा। और ये जो बैठक है, इसके बारे में पहले खबर नहीं थी और हम लोगों को भी खबर नहीं थी, लेकिन जो भी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से मिली है कि आज आकस्मिक बैठक है सुबह 11 बजे से आयोग में। और कई आला अधिकारियों को भी बुलाया गया है आयोग के, चाहे वो सचिव हों, चाहे वो अध्यक्ष जी हों या फिर और अन्य अधिकारी, सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे आज सुबह 11 बजे। और एक मीटिंग होगी जिसमें राजेश लेखपाल और चकबंदी लेखपाल को लेकर कुछ अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। जैसे राजेश लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों एक बड़ी भर्ती है और काफ़ी लंबे समय से फंसी पड़ी है। बात करते हैं चकबंदी लेखपाल का, तो चकबंदी लेखपाल पुरानी वैकेंसी है, पिछले साल भी आ चुकी है, इसको भी आवेदन, इसके लिए आवेदन के लिए भी आयोग पर प्रेशर है, क्योंकि रिक्त पद काफ़ी समय से खाली हैं और विभागों को भी कर्मचारियां चाहिए। तो ऐसे में इतने लंबे समय तक बिना कर्मचारियों के कोई भी काम नहीं चल सकता है, तो विभाग से भी प्रेशर है कि जल्द से जल्द इसका भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तो अब आयोग सोच रहा है कि अगर राजेश लेखपाल हम जारी कर देते हैं तो आयोग, क्योंकि राजेश लेखपाल भी में बहुत ज़्यादा आवेदन आने वाले हैं और आयोग एक ही परीक्षा में 2 साल लगा देता है कंप्लीट करने में, तो चकबंदी लेखपाल उसको भी तुरंत निकालना पड़ेगा और चकबंदी लेखपाल में भी अनगिनत आवेदन आने वाले हैं। तो ऐसे में दो बड़ी भर्ती परीक्षा बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पर चलने वाली है। तो इसलिए आयोग का फैसला ये है कि यहाँ पर राजेश लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों को ही एक ही विज्ञापन में जारी किया जाए, और इसमें छात्रों को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। अगर बात किया जाए कि छात्रों का क्या नुकसान है, तो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उनका और फायदा ही है, क्योंकि सिलेबस दोनों का एक ही है, दोनों में जीके, हिंदी, ग्रामीण प्रवेश और मैथ के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क्वांटिटी भी प्रश्नों की एक ही रहने वाली है। तो यहाँ पर एक ही बार तैयारी करना होगा, एक ही परीक्षा में आपको हो जाना है, यहाँ पर आपको बार बार एग्जाम नहीं देने होंगे। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल सी लेकर बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी, क्योंकि जब राजेश लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों एक साथ कर देंगे तो दोनों में ट्रिपल सी कंपलसरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चकबंदी लेखपाल है वो विदाउट ट्रिपल सी की भर्ती है और राजेश लेखपाल जो उसमें ट्रिपल सी मांगा जा रहा है। तो ऐसे में दोनों में अगर मांगेंगे तो छात्र जिनके पास है ट्रिपल सी वो तो आवेदन कर लेंगे दोनों में, लेकिन जिनके पास नहीं है वो राजेश लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों से चूक जाएंगे। इसलिए अब आपको ये खुशखबरी है कि जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है उनको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एस और नो का ऑप्शन दिया जाएगा वेब पोर्टल पर जब आवेदन करेंगे, ताकि बाद में जिनके पास ट्रिपल सी होगा वो सत्यापन के टाइम आपको उपस्थित करना होगा, और जिन लोगों ने ट्रिपल सी नहीं है, मई और अप्रैल या फिर मार्च में आपने आवेदन किया, परीक्षा नहीं हुआ है, तो आगे आपका परीक्षा भी संपन्न हो जाएगा और सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो आपकी क्या राय है, क्या चकबंदी लेखपाल और
राजस्व लेखपाल आने से आपके तैयारी या आपकी सिलेक्शन में कोई अड़चन आने वाली है या फिर आपके लिए ये सही रहेगा, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। आगे आयोग का क्या फैसला होने वाला है मीटिंग के बाद, क्योंकि इस पर अभी कई सारी मीटिंग बैठाई जाने वाली है, एक ही मीटिंग में इसका फैसला नहीं लिया जाने वाला है, लेकिन इन्हीं सारे मुद्दों पर यहाँ पर आयोग में बात होने वाली है और अभी 2-3 मीटिंग और बुलाई जाएगी, यानी कि अगस्त तक आपका समझ लीजिए ये फैसला ही लेंगे। उसके बाद में जहाँ तक है आपका जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा हर मीटिंग का। साथ साथ दोस्तों भर्ती विज्ञापन बहुत जल्द आएगा ये मुझे पता चल गया और आप सबको भी लग रहा होगा कि आयोग भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो चुका है राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल को लेकर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, शाम तक जो कोई अगर ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, बहुत बहुत